नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल, मेरे पेज, इस फेसबुक पेज अनुयोग में। आज हमारा 16th डे है हीलिंग का। जो लोग रोज साथ जुड़ते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आज पहली बार जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज ये जो हीलिंग है ये हमारे सटल लेवल पे, ग्रॉस से सटल तक हमारे इफेक्ट डालती है, और जिसके द्वारा हमारी हीलिंग करती है। हम रोज इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन भी करते हैं, ये किस तरह से काम करता है और हमें क्यों लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस किस को लेना चाहिए, और इसकी फंक्शनिंग क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है प्रॉपर, इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं, किस तरह से रिजल्ट्स आते हैं, हम रोज इस बारे में चर्चा करते ही रहते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बट इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने ये बात की हाउ टू रिसीव एनर्जी, हाउ टू रिसीव द यूनिवर्सल एनर्जी, ठीक है ना। हम रोज बात कर रहे हैं हाउ वी कैन रिसीव इट, व्हाट आर इट्स बेनिफिट, व्हाट इज रेकी, है ना, व्हाट इज मेडिटेशन, हम डेली डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में। बट द मेन क्वेश्चन विच अराइज हियर, दैट विल बी द फर्स्ट वन एक्चुअली, कि हमें इसको लेना ही क्यों है, व्हाई शुड वी हैव टू रिसीव हीलिंग एनर्जी, व्हाई शुड वी रिसीव द यूनिवर्सल एनर्जी, हमें लेनी क्यों है ये एनर्जी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कि हमें एनर्जी को रिसीव क्यों करना है। एक्चुअली दोस्तों, हमें एनर्जी को रिसीव नहीं करना, हमें एनर्जी को रियलाइज करना है। हमें एनर्जी को रियलाइज करना है। द मेन क्वेश्चन, जैसा मैंने अभी कहा कि हमें एनर्जी को रिसीव क्यों करना है, उसके साथ साथ ये जरूरी है कि हमें इसको सिर्फ रिसीव करने का हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें इसको रियलाइज करना है कि हमें इसको रिसीव क्यों करना है, व्हाई। टुडे इज आवर टॉपिक इज व्हाई वी शुड रिसीव दिस एनर्जी। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट इज यूनिवर्सल एंड व्हाट इज नॉट यूनिवर्सल। जिंदगी में, दुनिया में बहुत कुछ है, ठीक है, विच वी हैव टू एक्सेप्ट, हमें एक्सेप्ट करना ही होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो है यूनिवर्सल फैक्ट, लाइक बर्थ जो है वो यूनिवर्सल फैक्ट है, खुशी जो है वो यूनिवर्सल फैक्ट है, हेल्थ जो है वो यूनिवर्सल फैक्ट है, जॉय यूनिवर्सल फैक्ट है। इसी तरह से जो डिजीज है वो यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, बिकॉज इट इज अगेंस्ट नेचर, ये हमारी नेचर की पूरी तरह से अगेंस्ट है। और ये जो यूनिवर्सल एनर्जी है ये हमारे पूरी तरह से फेवर में हमेशा होती है। और एक जैसे मृग होता है ना, उसके कंठ में होती है कस्तूरी, लेकिन वो चारों तरफ ढूंढता है, बिल्कुल उसी तरह से वही हाल इस समय हम सभी का है कि हमारे अंदर, हमारे भीतर खुशी, स्वास्थ्य, सब कुछ, बैलेंस, एनर्जी, सब कुछ हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे ढूंढ रहे हैं बाहर। दैट इज द मेन कॉज, दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी शुड हैव टू रिसीव एंड रियलाइज आवर ओन एनर्जी। जब हम इस एनर्जी को रिसीव करते हैं, देन वी आर एबल टू रियलाइज कि ये सब कुछ ऑलरेडी हमारे अंदर है, जो सोया हुआ है। जब हम रेकी के द्वारा एनर्जी रिसीव करते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ जागृत कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग डेली, वी आर अवेकनिंग, बैलेंसिंग आर चक्रास। चक्रास बेसिकली आर द एनर्जी सेंटर इन आर बॉडी। साइंस भी इस चीज को पूरी तरह से मानता है, वो चक्रास के प्लेसेस को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहता है, ठीक है। एक चक्रा सब बहुत इजीली समझते हैं, बहुत एंडोक्राइन ग्लैंड्स सब, क्योंकि एक बीमारी उसकी बहुत ज्यादा फेमस है ना, वो है थायराइड। हमारा जब थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस होता है, ज्यादा सिक्रीशन होती है तो हाइपर हो गया, कम सिक्रीशन होती है तो हाइपो हो गया, बिकॉज इट इज समहाउ रिलेटेड टू आर ओबेसिटी, हमारे वेट वगैरह के गेन करने और कम करने में ये कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा मेटाबॉलिज्म यहाँ से होता है, इसलिए इसका योगदान रहता है, लोगों को बहुत अच्छे से पता है थायराइड। तो थायराइड जो प्लेस है वो विशुद्धि चक्र है, थ्रोट चक्र है हमारा। अगर हम इस पर फोकस करेंगे तो हम इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, इस एरिया से रिलेटेड क्यों कर सकते हैं, बिकॉज इट इज द एनर्जी सेंटर फॉर आर थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड को हम डायरेक्टली
ठीक कर सकते हैं सिर्फ अपने एक चक्रा को बैलेंस करके। उसके साथ बहुत सारी चीजें कुछ और भी करनी होगी, बट एक जो मेन उसका रेमेडी रहेगी थ्रू योगिक साइंसेस वो रहेगी हम अपने चक्रा को बैलेंस कर ले, थ्रोट चक्रा को बैलेंस कर ले। लाइकवाइज हमारे शरीर की, मन की, हमारे मतलब कि हमारे सोशल बिहेवियर की, सोशल जो प्रॉब्लम्स है, किसी भी तरह की अगर कोई हमारे साथ प्रॉब्लम है उसको हील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हम अपने सभी चक्रास को बैलेंस करें। शुरू में जैसा मैंने कहा, ये सारी एनर्जी, सारी यूनिवर्सल एनर्जी, हेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय, हार्मनी, पीस, एवरीथिंग इज अवेलेबल इनसाइड अस, बिकॉज दिस बॉडी इज नॉट जस्ट दिस बॉडी, ये बॉडी सिर्फ ग्रॉस है, स्थूल है जो हमें दिखाई दे रही है। इसकी 5 लेयर्स है दोस्तों, इसकी 5 लेयर्स हैं जो सटल हैं, बाकी की 4, ये ग्रॉस जो बॉडी है, अन्नमय कोश, जो हमारा स्थूल शरीर दिख रहा है, दैट इज विजिबल, लेकिन जो अदर 4 बॉडीज हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज द क्या कहूँ, सीधा सीधा हमें प्रमाण है कि हमारे अंदर ऑलरेडी हेल्थ है, हमारे ऑलरेडी अंदर स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य है, हमारे अंदर ऑलरेडी इंटेलिजेंस है, हमारे अंदर ऑलरेडी आनंद, जॉय एग्जिस्ट करता है, जिसको हम भूल जाते हैं, जिससे हम दूर हो जाते हैं, जिस कारण हमारे जीवन में अस्वास्थ्य आता है, ठीक है, हमारे जीवन में मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑल दीज थिंग्स कम, हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होगी कि ये करें या वो करें, इंटेलिजेंस की कमी हो जाती है, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आनंद की जो कमी हो रही होती है उसका कारण मात्र ये है कि हम अपनी सेल्फ से दूर हुए हुए हैं। दैट इज व्हाट सेल्फ रियलाइजेशन इज। सेल्फ रियलाइजेशन डजंट मीन कि आपको किसी जंगल में जाके बैठना है या साधु के कपड़े पहनने, ठीक है, साधु के कपड़े साधु लोग इसलिए पहनते हैं बेसिकली, उसका उसके बड़े सारे रीजंस हैं, उन पे अभी हम नहीं जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आपको जंगलों में जाना है, राइट, आप सेल्फ रियलाइजेशन आपके अंदर है ऑलरेडी, उसको आपने बस जागृत करना है। वही हम डेली कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारी सेल्फ रियलाइजेशन हम कर सके, दैट हेल्थ इज ऑलरेडी अवेलेबल इनसाइड अस, ये जो हेल्थ है जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है, पूरी तरह से एग्जिस्ट करती है। जो आनंद हम बाहर ढूंढते हैं, टीवी में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, अलग अलग चीजों में देखते हैं, वो ऑलरेडी, दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इनसाइड अस, सारी चीजें ऑलरेडी हमारे अंदर हैं। दैट इज द यूनिवर्सल नेचर, दैट इज यूनिवर्सल लॉ, दैट इज आवर ओन यूनिवर्सल नेचर विच वी यूजुअली फॉरगेट, हम भूल जाते हैं कि ये सब कुछ हमारे अंदर ही है। उसी को जागृत करने के लिए हम रेकी कर रहे हैं, उसी को जागृत करने के लिए हम डेली मेडिटेशन कर रहे हैं, और उसी को जागृत करने के लिए हम अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, जहां पर हमारी ये सभी पावर्स, ये सारी शक्तियां जहां पर हमारी है हमारी बॉडी के अंदर, दोज आर आर चक्रास, हमारे 7 चक्रास है, छोटे छोटे चक्रा है, मेजर चक्रा 7 है, जिनको हम बैलेंस करके अपनी इन सभी शक्तियों को जागृत करते हैं और इनका अनुभव करते हैं। अनुभव किस तरह से करते हैं, जॉय के रूप में करते हैं, हेल्थ के रूप में करते हैं, स्टेबिलिटी के रूप में करते हैं, स्ट्रेंथ के रूप में करते हैं, लव के रूप में करते हैं, हैप्पीनेस के रूप में करते हैं। तो चक्रास को बैलेंस करना इसलिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, कई लोग मुश्किल से 7 दिन कर लेते हैं, है ना, खींच लेते हैं। बट प्लीज, लाइक आई ऑलवेज सेड, जैसे हम खाना रोज खाते हैं, सोते रोज है, मोशन के लिए रोज जाते हैं, ये सारी दिनचर्या हम रोज करते हैं ना, डेली करते हैं ना, Likewise, we need to do it daily. हमारी डेली कैप्सूल, माइंड कैप्सूल हमें रोज ही लेनी है, वो 1 दिन लेने से काम नहीं चलेगा। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे कुछ फ्रेंड्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं जब वो पूरी तरह से हील हो जाएंगे, कुछ ने मैसेज में भी डाला है, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा आपके मैसेजेस पढ़ के कि हीलिंग हो रही है। बाद में मैं आप सभी से उनके सब फीडबैक शेयर भी करूंगी जिन जिन की हीलिंग हुई है, बट नाउ क्रेडिट गोज टू देम सेल्फ, दे देम सेल्फ, बिकॉज उन्होंने डेली हीलिंग ली, ठीक
ठीक है ना, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा पता भी था इसलिए उन्होंने टेली हीलिंग ली। क्वेश्चंस मैं पक्का लूंगी आज लास्ट में सेशन में, ठीक है आरती जी, लास्ट में लूंगी। हमें डेली करना है और आई विल रियली रिकमेंड, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते इसको डेली लीजिएगा। और जो लोग डेली कम से कम लेना चाहते हैं तो 21 days इज द मिनिमम लिमिट, 21 days इज द रियली मिनिमम लिमिट, क्योंकि हमारे जो चक्रास होते हैं उनको आपको बैलेंस करने में टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होता। देन कम्स अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कुछ लोग डेली हीलिंग करते हैं लेकिन फिर भी उनको उनकी लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों होता है कि भाई हम तो रोज कुछ ना कुछ करते हैं, हम अच्छी हीलिंग भी करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, वी आर नॉट गेटिंग विजिबल बेनिफिट्स इन आवर लाइफ, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होते हैं और उस समय वो लोग हताश हो जाते हैं। यहाँ पर एक फैक्टर पहले आपने अच्छे से समझ लीजिए कि पेशेंस रखनी है, ठीक है, पेशेंस रखनी है। सेकेंड थिंग इज, हम क्या होता है जो हमारे सर्कमस्टांसेस होते हैं उनको अपनी रियल नेचर मान लेते हैं, उन्हीं को फैक्ट मान लेते हैं, उन्हीं को यूनिवर्सल ट्रुथ मान लेते हैं। जैसा कि सेशन के शुरू में आप लोग नहीं जुड़े थे, मैंने बताया था कि कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं और कुछ नॉन यूनिवर्सल लॉज होते हैं। यूनिवर्सल फैक्ट इज लव, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट है, और क्या है हमारा है लाइफ है। यूनिवर्सल फैक्ट इज लाइट, यूनिवर्सल फैक्ट इज जॉय, यूनिवर्सल फैक्ट इज हेल्थ, यूनिवर्सल फैक्ट इज हैप्पीनेस, सॉरो इज नॉन यूनिवर्सल फैक्ट, ठीक है, ये नॉन यूनिवर्सल है। फियर, डाउट, ये सब नॉन यूनिवर्सल है। तो हेल्थ जो है हमारी यूनिवर्सल नेचर है, ये हमारी बेसिक नेचर है जिसको हमें फिर से, जो हम भूले हुए हैं अपनी दिनचर्या खराब करके, हम अपने लाइफस्टाइल को फिर से अपने रूटीन में लाके, अपने चक्रास को बैलेंस करके, मेडिटेशन रोज करके, अपनी क्लीनिंग करके, डिटॉक्सिफिकेशन इज समथिंग रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली ऑफ द फिजिकल बॉडी, ऑफ आवर मेंटल बॉडी, ऑफ आवर थॉट्स, इन सबकी क्लींजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए रोज थोड़ी सी जो चिट चैट करती हूँ ना, कि ये बहुत जरूरी है, सत्संग है ये, एक तरह का ये भी सत्संग है। सत्संग का मतलब यही, फिर से अगेन वही आ जाता है, हमें सत्संग के लिए मंदिर जाकर बैठना ही जरूरी नहीं है, दैट इज ऑल्सो सत्संग। इनफैक्ट यू कैन डू एट योर होम ऑल्सो, आप अपने जो भी आपके घर में मेंबर्स हैं उनके साथ आप अच्छा अच्छा डिस्कस कीजिए ना, व्हाई यू आर डिस्कसिंग सम। मैं कुछ लोगों का तो, आप वैसे लोग बहुत समझदार हो गए, मेरी जिससे भी बात होती है वो कहते हैं हम न्यूज़ नहीं देख रहे, वो कहते हैं हम ये बात ही नहीं कर रहे, चाहे उनके घर में भी ये प्रॉब्लम है इस समय, उन लोगों ने एक अपना टारगेट बना लिया, हमें ये बात ही नहीं करनी है, हमें क्या काम करना है, हमें सोल्यूशन पे वर्क करना है, इसको डिस्कस ही नहीं करना, दैट इज रियली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन पे फोकस करना है, इस पे फोकस बिल्कुल नहीं करना, और वो लोग हील हो रहे हैं और आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल उन सबका। मेरे कईयों का फीडबैक मिला कि उनको अब पहले से राहत है ना, ये बहुत अच्छी बात है। और इस सेशन को शुरू करने का यही उद्देश्य था, एटलीस्ट जो लोग नहीं ले पाते पेट में, फ्री में सेशन हो प्लीज वो सब लें, बिकॉज फैमिली इज समवन हु इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक फैमिली का हर मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जिनकी फैमिली में जिनको प्रॉब्लम हो रही है, मुझे मुझे समझ आता है वो कितने परेशान है। तो अपनी फैमिली के लिए भी आप हीलिंग लीजिए प्लीज, क्योंकि ये सिर्फ हीलिंग अभी के लिए नहीं हो रही, आपके पता नहीं पिछले बर्थ से कब से आप कितनी नेगेटिविटी अपने साथ लेके आ रहे हैं, कितनी नेगेटिविटी, उस सब की हीलिंग करेगी, हमारी पास्ट लाइफ्स की हीलिंग करेगी ये। देखिए हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, बट सम पीपल टेक बर्थ इन अ वेरी रिच फैमिली, सम इन वेरी बिल्कुल लेबर उसमें वहां पर लेते हैं, ऐसा क्यों है? दीज आर ऑल आर कनेक्ट कलेक्टेड संस्कारास, हमारे खुद के कर्मों के हिसाब से हमें बर्थ मिल रहा है, तो क्यों ना, ध्यान से सुनिएगा प्लीज इसे, तो क्यों ना हम अपने पिछले जन्मों के सभी नेगेटिव बुरे
नीचे स्तर के कर्मों को यहीं पर काट कर जाएं, उनकी यहीं पर जो हम पावरफुल लास्ट में मेडिटेशन करेंगे, 3 स्टेप मेडिटेशन, उसके जरिए हम अपने सभी पास्ट कर्मास को काट दें और साथ ही साथ हम यूनिवर्सल एनर्जी ले रहे हैं तो हमारी जितनी भी पॉजिटिविटी है वो और ज्यादा ग्रो करेगी, राइट? तो अपनी पॉजिटिविटी को ग्रो करना है हमें, अपनी सेल्फ को रियलाइज करना है, बिकॉज आर ट्रू नेचर इज हेल्दी, आर ट्रू नेचर इज जॉयफुल, आर ट्रू नेचर इज हैप्पी, आर ट्रू नेचर इज रियली पीसफुल, ठीक है? उसको रियलाइज करने के लिए हम ये सब छोटी छोटी सी मेहनत कर रहे हैं और ये डेली की मेहनत होती है, एक दिन की नहीं होती। तो इसी के साथ हमें अपनी सेल्फ को रियलाइज करना और सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर ही आती है हमारी मेडिटेशन, रेकी हीलिंग, 3 स्टेप हम अपनी मेडिटेशन, पावरफुल मेडिटेशन लास्ट में करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं अपना मेडिटेशन सेशन। तो शुरू करते हैं, जो लोग रेकी में म्यूजिक ऑन करना चाहें जरूर कीजिएगा, ठीक है? एक बार फिर से, कुछ लोग मुझे नए दिखाई दे रहे हैं, जो लोग आंखें बंद करके लेना चाहें आंखें बंद करके, जो लोग हाथ देखना चाहें लास्ट में हाथ देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, आंखें बंद कर दीजिए, लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल जाए, लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल जाइएगा, एक और लंबा गहरा श्वास भर जाए और निकाल जाए। अपने श्वासों पर अपने ध्यान को बना दीजिएगा कि श्वास भरें तो आपको पता चले श्वास भर रहा है, श्वास निकले तो आपको पता चले श्वास बाहर निकल रहा है। श्वास भरे तो आपको पता चले श्वास भीतर आ रहा है, श्वास बाहर जाए तो आपको पता चले श्वास बाहर जा रहा है। तो 5 ब्रेथ्स कर जाइएगा, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे, श्वास भरे तो आपको जैसा भी श्वास चल रहा हो, लंबे गहरे की कोई जरूरत नहीं है, अपने बस ब्रेथ को आप वॉच करें, ऑब्जर्व करें, 5 ब्रेथ्स। पांच श्वासों को देखने के बाद अपनी बॉडी को फील कीजिएगा, अपनी मन की दृष्टि से, अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना शक्ति से जहां आप बैठे हैं वहीं बैठे बैठे अपने स्लीपर्स, चप्पल जो भी पहनना है पहन लीजिए, कल्पना में, इमेजिनेशन में तैयार हो जाए, घर से निकलें, आपके घर के आसपास कोई ना कोई पार्क जरूर होगा, अपनी इमेजिनेशन से वहां पर पहुंच जाएं और बेंच पर बैठ जाएं। हो सकता है वहां आपके घर से थोड़ा दूर हो, आपने स्कूटर, बाइक, स्कूटी कुछ भी लेना है, कार में बैठना है, जैसे भी आप जाना चाहते हैं आप उसमें बैठिए और वहां पहुंच जाए। जो पहुंच चुके हैं अपने श्वासों पर अपने ध्यान को लगा दीजिए और जो पहुंच रहे हैं, प्रोसेस में हैं, वो धीरे से, जल्दी से, धीरे 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 अपने पार्क में पहुंच जाइए। बाकी लोग जो पहुंच चुके हैं, श्वास धीरे धीरे लंबा गहरा भर जाए, निकाल जाए, एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल जाइएगा, लंबा गहरा श्वास भर जाए और निकाल जाए। जो आपने शूज, चप्पल इत्यादि पहने हुए हैं उनको साइड पर रख दीजिए, नीचे जो घास है या मिट्टी पर आपके पैर हैं उसकी ठंडक को महसूस कर जाए। आज मदर्स डे भी है, मदर अर्थ को
एक बार यहीं पर बैठे बैठे विश कर जाएं हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि धरती भी धरती माता है, हमारी माँ है जो हमें रोज हमारा बोझ, हमारी हर तरह की तकलीफ सब सहती हैं। उन्हें एक बार हैप्पी मदर्स डे यहीं पर बोल जाएं और आराम से शांति में यहीं बैठे रहें। आशा रखती हूँ सभी पार्क में पहुंच चुके हैं। एक लंबा श्वास भर जाएं, निकाल जाएं, भर जाएं और निकाल जाएं। निहार जाएं अपनी मन की दृष्टि से चारों ओर, देख जाएं यानी चारों ओर आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, उसे देख जाएं, घास होगी, फूल भी लगे होंगे वहां पर, फूल के पौधे भी होंगे, बड़े बड़े पेड़ होंगे जो इस समय हवा से हिल रही है। थोड़ी सी और गर्दन ऊपर की तरफ करें और आसमान को भी देख जाएं, आसमान के रंग को देख जाएं। 7:15 के करीब बरसा हुआ है और आज मौसम वैसे भी अच्छा हो रहा है, ऑरेंज ऑरेंज। आसमान के कलर को भी देख जाएं, कहीं पे लाइट ब्लू, कहीं पे डार्क ब्लू, कहीं पे बादल होंगे, कहीं पे बिल्कुल व्हाइट होगा, उसे देख जाएं। बादलों से निकलती ठंडक को महसूस कर जाएं। पार्क में हम जब जाते हैं एक वैसे एक बड़ी सूदनिंग सी फ्रेग्रेंस होती है, उस फ्रेग्रेंस को फील कर जाएं। जो आसपास की आवाजें हैं उनसे डिस्टर्ब ना हो, उनको इस तरह से महसूस कर जाएं कि आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, ऐसा नहीं है पास्ट में, तो उनसे डिस्टर्ब नहीं होना, कोई बात नहीं, आ रही है उन्हें आने दे। अब यहीं पर अपने बेंच पर रिलैक्स होकर बैठ जाएं, लेकिन कोशिश फिर भी करें कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो। अपने बेंच पर अपने ध्यान को लेके आए, बेंच के कलर को देख जाएं, बेंच के टच को अपनी बॉडी पर फील कर जाएं, अपने कपड़ों को देख जाएं जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, उनके कलर को देख जाएं, उनके टच को अपनी बॉडी पर महसूस कर जाएं। अब ले आए यहीं पर अपने ध्यान को अपने शरीर पर, अपनी क्रॉस बॉडी पर ले आए, निहार जाएं अपनी मन की दृष्टि से अपना पूरा का पूरा शरीर जो इस समय शांत है, इस शांति का अनुभव कर जाए। एक्सपीरियंस दिस पीसफुलनेस। अब जिस जिस अंग का मैं नाम लूंगी उस हर अंग के साथ आप शांति बोलते जाइएगा, ठीक है? जिस भी अंग का नाम, जैसे मैंने सिर बोला, शांति शांति शांति, 3 times शांति, राइट? हर अंग के साथ। तो एक लंबा सांस भरिएगा, देख जाए अपने सिर का ऊपरी भाग, पूरा सिर, बाल, माथा, बिंदी वाला स्थान, दोनों आईब्रोज, दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों गाल, नाक, बोथ नॉस्ट्रल्स, ऊपर वाला होंठ, नीचे वाला होंठ, आपकी जिह्वा, सभी दांत, थुट्टी, पूरा जबड़ा, जॉलाइन, नेक एरिया, नेक मसल्स, शोल्डर एरिया, कॉलर बोन्स, चेस्ट एरिया, चेस्ट कैविटी, आपके रिब केज, रिब केज के अंदर आपके लंग्स, लंग्स के बीच में आपका प्यारा सा दिल, उसके पीछे लिवर, यहीं से फूड पाइप के जरिए नीचे आते हुए आपका स्टमक, स्टमक के नीचे पैनक्रियास,
दूसरी तरफ स्प्लीन और गॉल ब्लैडर, उसके नीचे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एपिग्लॉटिस, यूरिनल और रेक्टम एरिया भी नीचे की तरफ महसूस कर जाए। ऊपर की तरफ थोड़ा सा आपकी बोथ किडनीज, फैलोपियन ट्यूब, बोथ ओवरीज, यूट्रस, जेनिटल ऑर्गन्स, पीछे आपकी पूरी की पूरी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, शोल्डर ब्लेड्स, अपर बैक एरिया, मिडल बैक एरिया, लोअर बैक एरिया, अगेन शोल्डर्स, शोल्डर से अप टू एल्बो एरिया, अप टू रिस्ट एरिया, बोथ पाम्स, थम्स, सेकेंड फिंगर्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब यहीं से अपने बटक से अपने थाई एरिया तक देख जाए, नीज, काफ्स, एंकल्स, हील्स, बोथ सोल, टोज, बिग टोज, सेकेंड फिंगर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। एक लंबा श्वास भरिएगा, निकालिएगा, एक और लंबा श्वास भरें, निकाल जाए, एक और लंबा गहरा श्वास भर जाए और निकाल जाए। सिर से लेके पांव तक अपने शरीर को एक बार फिर से महसूस कीजिए और तीन बार बोल जाए, शांति शांति शांति। इसी शांति में बने रहे। हम यहीं पर हीलिंग स्टार्ट करेंगे, यूनिवर्सल हीलिंग, रेकी हीलिंग। अपने हार्ट्स को और पूरी तरह से ओपन करते हैं, अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह से खोल दीजिए इस रिसीविंग को ग्रहण करने के लिए। इस रिसीविंग के द्वारा अपने सभी एनर्जी पॉइंट्स को ओपन करने के लिए, पूरे ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ, बिलीफ के साथ, लव के साथ शुरू करते हैं। एक बार चाहे तो आप भी धन्यवाद कर लीजिए अपनी जगह पर बैठे बैठे, नमस्कार से शुरू करेंगे। आप म्यूजिक ऑन करना चाहते हैं, म्यूजिक ऑन बिल्कुल कर सकते हैं। मैं करती थी फेसबुक पर, अलाउ नहीं करता, आप लोग कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको।
हीलिंग रिसीव करते जाएं और बोलते जाएं। जो लोग वर्बली यानी तेज बोल सके अपनी जगह पर बैठे हुए, तेज बोलिएगा। जो लोग मन में बोलना चाहें मन में बोलिएगा। आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी बींग, 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 आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम डिवाइन बींग, आई एम डिवाइन बींग, I am divine being. I am peaceful. I am peaceful. I am peaceful. I am loveful. I am loveful. I am loveful. यहीं पे रिजोल्यूशन ले जाएं, दिन में जितनी बार याद आएगा हम इसे रिपीट जरूर करेंगे अपने मन में। जब भी कोई ऐसा विचार आएगा जो हमारी ट्रू नेचर नहीं है जैसा हमने आज समझा, उसी टाइम हम इन अफर्मेशंस को, इन थॉट्स को रिपीट करेंगे। मेडिटेशन के टाइम लिए हुए संकल्प पूरी तरह से फलीभूत होते हैं, इसलिए इस समय ये संकल्प ले जाएं। और संकल्प के साथ एक लंबा श्वास भर जाए, एक लंबा गहरा श्वास भर जाइएगा। एक लंबा गहरा श्वास भर जाए और पुनः अपने शरीर पर अपने ध्यान को ले आए, अपने आसपास के वातावरण को, जहां पर आप बैठे हैं, एक पार्क में बैठे हैं, एक पार्क के बेंच पर बैठे हैं, अपने ध्यान को वहीं पर दोबारा ले आए एक मुस्कुराहट के साथ। आपके पैर इस समय जमीन पर हैं, मदर अर्थ पर हैं। एक बार फिर से अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं मदर अर्थ को भी दे जाएं। आज मदर्स डे है, उनका आशीर्वाद हम रोज लेते हैं। आज फिर उन्हें नमन करते हुए उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी एनर्जी के, उनके ऊर्जा, उनकी पॉजिटिव आयंस के रूप में हमें रोज मिल रहा है, ऑलरेडी हमेशा मिलता रहता है। इस समय फर्क ये है हम इसे रियलाइज कर रहे हैं, हम कॉन्शियसली इसे रिसीव कर रहे हैं। अदरवाइज हम उनसे कुछ कहें या ना कहें, देखें या ना देखें, सोचें या ना सोचें, हमें उनकी ब्लेसिंग्स जैसे ही हम बेयर फूट होते हैं, हम नंगे पांव होते हैं, हमें तुरंत मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो उनकी ऊर्जा के प्रवाह को एक बार पुनः अपनी पूरी बॉडी में भरता हुआ महसूस कर ले। ग्रीन कलर की लाइट, ग्रीन कलर की एनर्जी, चमकते हुए हरे रंग की ऊर्जा को, उसके प्रवाह को अपनी पूरी बॉडी में, सबसे पहले लोअर लिम्स में, अपनी पूरी टांगों में, हर जगह भर रहे, एक एक नुक एंड कॉर्नर, आपको जो भी समझ आए, आपके पूरे पैर के तलवे, पंजे, टखने, पिंडली, घुटने, जंघा, पूरे सब भर चुके हैं। आपका ट्रंक एरिया, मिडल पोर्शन, उसमें भी हर जगह पर, हर ऑर्गन पर, हर ऑर्गन में, हर मांसपेशी में, मसल में, हर जगह, हर वेन में, आर्टरी में, हर जगह उनकी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, ऐसा महसूस करें। पूरी बॉडी को ग्रीन कलर का देख जाएं,
अपने अपर लिम्स में, बोथ आर्म्स में, पूरी तरह से एक एक जगह इस ऊर्जा को, इस प्रवाह को भरता हुआ महसूस कर जाए और अपनी एक ब्लिसफुल बॉडी देख जाए। क्रीम कलर की लाइट चमक रही है आपकी पूरी बॉडी में, नेक एरिया भी भर चुका है इस कलर से, आपका फेस, आपका हेड, आपके बाल, टॉप ऑफ द हेड, सब कुछ पूरी तरह से भर चुका है। इस ऊर्जा को महसूस करें। हरा रंग ठंडक का प्रतीक है, स्वास्थ्य का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। देख जाए इसे, महसूस कर जाओ, इन सब अनुभवों को अनुभव करते रहे, एक्सपीरियंस करें। आप लोग रोज इसे एक्सपीरियंस अब अपनी लाइफ में करेंगे जब आप कॉन्शियसली इसको फील करेंगे और ज्यादा महसूस करेंगे। महसूस कर जाए अब आपकी पूरी बॉडी, एक एक नुक एंड कॉर्नर, सब कुछ इस ऊर्जा से, इस प्रवाह से, इस ब्लिस से भर चुका है, इस ब्लेसिंग से भर चुका है। अब ये प्रवाह आपके हर रोमचित से, आपके नॉस्ट्रल से, जितने भी ओपन एरियाज हैं उन सब से आपके आसपास के वातावरण में जा रहा है। 2 से 3 फीट के रेडियस में आपके पूरे शरीर के भर रहा है। हो सकता है जिनकी इमेजिनेशन अच्छी है या जो मतलब कि ऊर्जा का प्रवाह जिनका बढ़ चुका है पूरे आसपास के वातावरण में, और दूर तक अगर आप महसूस कर सकते हैं, और दूर तक महसूस कर जाए, इसे ऑरा कहते हैं। अपना ऑरा बनाने, एक बलून में जितना बड़ा बलून आपका बनता हो इस ग्रीन कलर की लाइट का, इस ग्रीन कलर की ऊर्जा का, उसमें बैठ जाए, बीच में स्थापित हो जाए। अगर आप किसी अपने फैमिली मेंबर के लिए ले रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को वहां पर बिठा जाए, इस बलून के अंदर खुद बैठ जाए। अपने सभी फैमिली मेंबर्स को, अगर किसी फ्रेंड के लिए आप ले रहे हैं, सबको वहीं पर बिठा दीजिए सेंटर में। आप जिनके लिए भी लेते हैं एटलीस्ट उनकी फोटोग्राफ लेके बैठा कीजिए। 21 डेज अगेन मिनिमम है, और अच्छा ये होगा जिस समय ये आप रिसीव करते हैं उनके लिए, आप उनको फोन करके, एक मेरे नोन टू है उनका, मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो उनको इंटीमेट कर देते हैं हॉस्पिटल में पहले से 15 मिनट्स बिफोर कि अब सेशन शुरू होने वाला है, आप भी प्रेयर कीजिए। प्रेयर करने से उस टाइम पे रिसीविंग बढ़ जाती है और वो खुद पे ही उनकी फोटो लेके बैठती है हमेशा हीलिंग के इस टाइम पे। तो इसी तरह से आप अपने सभी फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स जिनके लिए भी आप हीलिंग ले रहे हैं, अपने लिए भी लीजिए, अपने आप को भी इस बबल के बीच में, इस बलून के बीच में बिठा दीजिए। प्रोटेक्शन शील्ड फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। जिन्होंने पूरा सेशन अटेंड किया है वो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वाइब्रेशंस एंड नेगेटिव एंटिटीज। अपने आप को यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कीजिए। एक लंबा सांस यहीं पर भर जाए और अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए, धन्यवाद की मुद्रा इसमें ले आइए और परमात्मा को यहीं पर बैठे बैठे सबसे पहले तो यूनिवर्सल एनर्जी को थैंक्स कह जाए कि उन्होंने आपके मन में ऐसे थॉट डाले कि आप इस रिसीविंग को रिसीव करने के लिए अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की प्रोसेस में यहां पर हमारे साथ जुड़े आज, और आपने रिसीव भी की। किसी भी चीज की हीलिंग में, किसी भी प्रोसेस के पूरे होने में सबसे पहला स्टेप सबसे डिफिकल्ट होता है और ये परमात्मा की कृपा के बिना कभी नहीं होता, तो उन्हें थैंक यू कह जाए इसके लिए। उसके बाद रेकी हीलिंग को, रेकी एनर्जी को, द मोस्ट ऑस्पिशियस यूनिवर्सल एनर्जी ऑफ द क्रिएटर, वो इस समय आपने ग्रहण किया उसके लिए आप धन्यवाद कर जाएं, उन्हें धन्यवाद कर जाएं। अपने रेकी ग्रैंड मास्टर को धन्यवाद कर जाएं जिनसे आपने अभी रिसीव की मेडिटेशन, ग्राउंडिंग, रेकी, प्रोटेक्शन शील्ड, उन्हें भी धन्यवाद कर जाएं। अपने फैमिली मेंबर्स को धन्यवाद कर जाएं, अपने मोबाइल को, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क को भी धन्यवाद कर जाएं, आपका जिनको मन करे सबको थैंक यू कह जाएं, पूरे यूनिवर्स को थैंक यू कह जाएं।
Because each time I'm telling you, each and every person in this whole world, चाहे हम उनको जानते हैं नहीं जानते हैं, directly हमारा कोई link है या नहीं है, they all are helpful to us. They are contributing in our lives, directly or indirectly. सबको खूब सारी thank you words हैं. इसके साथ अब आप सबसे क्षमा याचना भी कर जाएं, सॉरी भी कर जाएं. हमें नहीं पता किस जन्म में, किस कारण से, जानबूझकर, अनजाने में, सर्कमस्टांसेस के कारण, सिचुएशंस के कारण, किसी भी कारण से हमसे कोई गलती हुई हो, उन सब के लिए सॉरी कर जाएं. देखिए, जिस टाइम में हमने गलती की होगी, उस टाइम में जिसके साथ भी की होगी, उसको बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा, तो एक बार उनकी एनर्जी महसूस कीजिए. तो इसलिए पूरी इंटेंसिटी के साथ सॉरी मांगिएगा. और जिनसे आपके कुछ ग्रजेस रहते हैं ना, उनसे ज्यादा मांगिएगा, क्योंकि वो लोग आए इसीलिए आपके वो सारे पास्ट कर्मज का फल अब देने के लिए. ठीक है, तो उनसे बहुत सारी सॉरी मांग जाए. अब जिनसे आपने सॉरी मांगी है ना, पूरे यूनिवर्स से आपने सॉरी मांगी है, टुडे वी आर गोइंग टू डू 5-step मेडिटेशन. दिस लास्ट पावरफुल मेडिटेशन इन 5-step. जिनसे आपने सॉरी मांगी है उनको थैंक यू कर जाए रिटर्न में, कि थैंक यू सो मच, आपने हमारी सभी गलतियों के लिए, हमने जो भी गलत किया था उसके लिए आपने हमें माफ कर दिया. नाउ यू आर लॉकिंग योर सॉरी. ठीक है ना, हेयर कम्स बिलीव, कि आपको पूरा विश्वास है आपको माफी मिल चुकी है. आप लॉक कर दीजिए थैंक्स कह के, उस पर डबल लॉक लगाने के लिए आप पूरे यूनिवर्स को आई लव यू बोल जाए. जिन जिन से आपने माफी मांगी है उन्हें भी आई लव यू बोल जाए. बहुत सारा प्यार. Love is the most powerful energy on this earth, on in this whole universe. तो उन्हें अपनी ये most auspicious, अपनी most beautiful, powerful energy दे दीजिए. That I love you. सबको खूब सारा प्यार, खूब सारा प्यार. कितनी ही बड़ी नफरत हो, कितनी ही बड़ी negativity हो, उसको हम काट सकते हैं सिर्फ प्यार की शक्ति के द्वारा. Affection, compassionate, अपने compassion के द्वारा. ठीक है ना, उन्हें आई लव यू, सबको पूरे यूनिवर्स को आई लव यू बोल जाए. नाउ द फिफ्थ स्टेप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, व्हाट एवर यू वांट, डिजायर इन योर लाइफ, फर्स्ट गिव इट टू द यूनिवर्स. जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? पीस चाहते हैं, लव चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, टुडे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ चाहते हैं, है ना, हार्मनी चाहते हैं, आप ये सब कुछ पूरे यूनिवर्स को अपनी ब्लेसिंग्स में दे जाए. कि गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस होल यूनिवर्स, होल वर्ल्ड, द होल ग्लोब, हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी, पीस, लव, सक्सेस, रिलेशंस, सब कुछ सबको दे जाए. हम जो देते हैं वही हम रिटर्न में रिसीव करते हैं, इसलिए सबको खूब भर भर के ब्लेसिंग दे जाओ. लाइक आई सेड, ऑलवेज वी ऑल आर एनर्जी. दिस इज नॉट समथिंग कि मैं कह रही हूं, साइंस प्रूव कर चुकी है कि हम सब एनर्जी हैं, वाइब्रेटिंग एंड डांसिंग एट डिफरेंट वाइब्रेशंस, है ना. इसलिए हम अलग अलग सब चीजें दिख रही हैं, हम इंसान अलग अलग दिखते हैं, चीजें अलग अलग दिखती हैं. ठीक है ना, तो आप एनर्जी लेवल पर सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके जीवन में वो ब्लेसिंग्स वापस आएंगी ही आएंगी. सो इसी के साथ एक लंबा सांस भर जाए, खुशी के साथ, आनंद के साथ. आप सब मेरे हिसाब से तो बहुत लाइट फील कर रहे होंगे. मैं सिर्फ सेशन देख के बड़ी खुश हो जाती हूँ और बड़ा लाइट फील करती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है जो लोग पूरा सेशन अटेंड करते हैं उनको भी ऐसा ही फील होता होगा.
कल 2-3 लोगों ने फीडबैक दिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे फीडबैक पढ़ के। सॉरी मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया, अभी मैं थोड़ी देर में रिप्लाई जरूर कर दूंगी, लेकिन मुझे फीडबैक पढ़ के रियली बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा फील हो रहा था कि ज्यादा नहीं, कोई बात नहीं, थोड़े लोगों को तो बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि लोगों को ज्यादा पता भी नहीं है ना ये चीजें बेनिफिट कर सकती हैं। डजेंट मैटर, जिनको बेनिफिट हुआ है उनके मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर जरूर करूंगी जल्दी ही। और फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने एक्सपीरियंस प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए। सिर्फ ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा कि मेरे को अपना एक रिवॉर्ड मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ये जो लोग जिनको नहीं पता है इसका बेनिफिट कैसे होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। जब उन्हें पता चलेगा कि वाकई इससे इफेक्ट आता है, देखिए रिजल्ट तो आता है, रिजल्ट आने की कुछ कंडीशंस हैं कि आपको रेगुलरली लेना है, विथ फेथ बिलीफ लेना है, अपने आप को रिसीविंग के लिए ओपन करना है, इसको रियलाइज करना है कि ऐसा हो रहा है, रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ है। और जब आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस को नीचे शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में, जिनको डाउट है, जिनको समझ नहीं अभी भी आ रहा, और जो लोग रेगुलर नहीं है फिर वो रेगुलर हो जाएंगे, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, आप लोग अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए प्लीज। और हो सके आप टाइम निकाल कर प्लीज जिनको जरूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। दिस इज नॉट फॉर माई प्रमोशन। कुछ लोगों ने इस तरह से भी कहा कि मैं अपने प्रमोशन के लिए कर रही हूँ, मेरा सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि पूरे वर्ल्ड में सबकी फैमिली सच में पूरी तरह सेफ रहे, अदरवाइज आई कैन डू दैट फॉर इन पेड ऑल्सो। ठीक है ना, पेड में मैं ज्यादा लोगों को नहीं करा पा रही थी, दैट्स द ओनली रीजन कि मैं यहाँ पर ऑनलाइन आकर फ्री में करा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अंबानी जी की बेटी नहीं हूँ, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसमें मेरा प्रमोशन के लिए नहीं है, प्रमोशन करना होता तो फिर मैं पेड क्लासेस लेती, ठीक है ना। इसलिए प्लीज इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ आप सभी का एक कंट्रीब्यूशन होगा पूरे ग्लोब को हेल्थ, पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस देने के लिए। ये एक मिशन है पूरे ग्लोब की हीलिंग के लिए, प्लीज उसमें योगदान कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग, बड़ी बड़ी स्माइल के साथ रहे, है ना, शीशे में अपना मुंह जरूर देखना है सबने स्माइल के साथ, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, राइट। सो कल मिलेंगे हमारे 17th सेशन में, जैसा मैंने कहा था हमारे घर पर, मेरे घर पर मैंने अखंड ज्योत जलाई हुई है, आप सभी के वेलबींग के लिए, मेरे वेलबींग के लिए, हम सभी के वेलबींग के लिए। ये तब तक चलेगी एटलीस्ट इंडिया में जब तक गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं करती, वो अभी भी प्रज्वलित है। आप सब भी अपने घर में दीपक जरूर जलाइए, इंसेंस जरूर कीजिए, क्लीनिंग जरूर कीजिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, सबको खूब ब्लेसिंग दीजिए, की स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलेंगे हमारे 17th सेशन में, बाय बाय।